अभी तक अरेस्ट हुई। फिर से सेटिंग गेटिंग मतलब कुछ खबर उबर आ रहा है आपके पास? पूरा सेटिंग के लिए ही ये किया जा रहा है, ये डेट में एग्जाम परसेंटाइल सिस्टम और दो शिफ्ट में एग्जाम, पूरा सेटिंग के लिए ही किया जा रहा। बोला तो खत्म कर दिया ना, हो गया। तो अब ये जानबूझकर यूपीएससी मेंस के बीच में ले रहे हैं ताकि जो यूपीएससी मेंस देने वाले हैं स्टूडेंट्स वो बीपीएससी पीटी ही ना दे पाए, ताकि इनका टक्कर जो है मेंस में ना हो पाए अच्छा से। ये आप एक महत्वपूर्ण बात, बाहर हो जाए पीटी से ही, और ये आराम से जिन लोगों से 20 लाख रुपया पीटी पास कराने के लिए लिए हैं उनको पीटी पास आराम से करा दे, उसके बाद मेंस में भी ये आराम से सेटिंग करवा सके। 20 लाख में होता है क्या पीटी का इंटरव्यू? पीटी साहब नहीं, 70 लाख में पूरा पीटी मेंस इंटरव्यू पूरा 70। 67वीं बीपीएससी का एग्जाम 21 सितंबर को तय किया गया है। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि यह डेट सही नहीं है, काहे आप लोग परेशान करके रखे हैं आयोग को? दिलीप जी, परेशान हम लोग आयोग को नहीं किए, आयोग ने परेशान कर दिया। और बीपीएससी के जो नए चेयरमैन आए हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को और उनके परिवार वालों को परेशान कर दिया है। अतुल जी तो दो डेट निकाले फिर एक डेट में ले आए। नहीं, दो डेट उसका तो हम लोग विरोध कर रहे थे ना, कि जिस पैटर्न पे पहले परीक्षा हुई उसी पैटर्न पे होनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं था कि एक पाली में आप लीजिएगा तो आप यूपीएससी के बीच में ले लीजिएगा। सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने किया कि यूपीएससी मेंस के बीच में परीक्षा का डेट दे दिया, ये गलत किया, जो कि किसी भी राज्य स्तरीय सिविल सेवा में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ आपने 12-13 दिन पहले नोटिस दिया एग्जाम से पहले, तो जो लोग सरकारी जॉब में है वो लोग को छुट्टी नहीं मिल रहा, आर्मी में है, एयरफोर्स में है या प्राइवेट जॉब में है, उन लोगों को सरकारी छुट्टी माने नहीं मिल रहा है, प्राइवेट जॉब में भी उनको भी छुट्टी नहीं मिल रहा ऑफिस से, कि 15 दिन पहले आपको नोटिस देना है। आर्मी के लोग जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख से सब हमको फ़ोन कर रहे हैं कि छुट्टी नहीं मिल रहा हम लोग को। 5-6 लाख आदमी भरता है, उसमें मान लीजिए कि 1000 आदमी को परेशानी है, हर बार कुछ न परब रहेगा, कुछ न कुछ रहबे करेगा। कमेंट ऐसा भी आया है कि हर बार कुछ न कुछ रहबे करेगा, तो भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के ना एग्ज़ाम को महत्व देना है, या आप छात्र छात्र के हैसियत से कैसे देखते हैं? देखिए, महत्व देना है एग्ज़ाम को, सही बात है। इन्होंने पहले कैलेंडर जारी किया कि अगस्त अंतिम सप्ताह में एग्ज़ाम लेंगे, अखबारों में छपवा दिया कि 16 अगस्त से एडमिट कार्ड जारी होगा, लेकिन नहीं हुआ। 16 अगस्त से, अभी तो 13 सितंबर, अभी का बात नहीं, 16 अगस्त से एडमिट कार्ड जारी होगा, नहीं हुआ ना एडमिट कार्ड जारी हुआ ना अगस्त में एग्जाम हुआ। फिर इन्होंने कहा 20 और 22 को लेंगे, वो भी नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने विरोध किया, मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद 21 सितंबर को लेना है, तो आप ऑफिशियली जो जारी कीजिएगा नोटिस, कैसे हम लोग माने, कैसे रिजर्वेशन कोई कराएगा, कैसे ऑफिस से छुट्टी लेगा? पेपर में तो दे ही दिया ना, 13 तारीख को मैं कह रहा हूँ, पेपर में तो ये भी आया था ना पिछले महीना कि अगस्त अंतिम सप्ताह में होगा एग्जाम, और 16 अगस्त से एडमिट कार्ड जारी होगा, लेकिन नहीं हुआ वो चीज़। मतलब आयोग भरमाने का प्रयास कर रहे जिससे अभ्यर्थी टेंशन में है। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ, आयोग को अपने वेबसाइट पे नोटिस जारी करना चाहिए ताकि 21 सितंबर को एग्जाम होगा कम से कम एक महीना पहले, ताकि लोग रिजर्वेशन करा सके, जिनको बिहार से बाहर से आना है, जो सरकारी जॉब में है वो छुट्टी ले सके, जो आर्मी एयरफोर्स में है वो छुट्टी ले सके, और आप रिजर्वेशन करा सके कहाँ माने सेंटर उनका बिहार में है तो उस तरह से वो आ सके। जो विदेश में वो कैसे आ जाएंगे 12 दिन पहले आप बता रहे हैं? चलिए, ये तो तिथि का हो गया, दो तिथि वाला वो तो खत्म कर दे, वो तो नीतीश जी बोल दिए कि भाई ऐसा ऐसा ही होगा। अभी आप लोग का एक और मांग था कि एग्ज़ाम एगो तो रद्द हो गया, वहाँ क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था, अब फिर मतलब एग्ज़ाम होने ही नहीं, मतलब क्या समझ ही में नहीं आ रहा है? ये तो आयोग की गलती है ना, हम लोग तो चाहते हैं कि एग्ज़ाम जितना जल्दी ले। 8 मई को एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हुआ जिसको हमने ही उजागर किया, तो कैंसिल हुआ, जाँच हुआ, 18-19 लोग अभी तक अरेस्ट हुए। फिर से सेटिंग गेटिंग मतलब कुछ खबर उबर आ रहा है आपके पास? पूरा सेटिंग के लिए ही ये किया जा रहा है, ये डेट में एग्जाम परसेंटाइल सिस्टम और दो शिफ्ट में एग्जाम, पूरा सेटिंग के लिए ही किया। बोला तो खत्म कर दिया ना, हो गया। तो अब ये जानबूझकर यूपीएससी मेंस के बीच में ले रहे हैं ताकि जो यूपीएससी मेंस देने वाले हैं स्टूडेंट्स वो बीपीएससी पीटी ही ना दे पाए, ताकि इनका टक्कर जो है मेंस में ना हो पाए अच्छा से। ये आप एक महत्वपूर्ण बात, बाहर हो जाए पीटी से ही, और ये आराम से जिन लोगों से 20 लाख रुपया पीटी पास कराने के लिए लिए हैं उनको पीटी पास आराम से करा दे, उसके बाद मेंस में भी ये आराम से सेटिंग करवा सके। 20 लाख में होता है क्या पीटी का इंटरव्यू? पीटी साहब नहीं, 70 लाख में पूरा पीटी मेंस इंटरव्यू पूरा 70 लाख, और पीटी में सिर्फ 15 से 20 लाख रुपया लगा। ये तो उजागर हुआ है, जो जाँच हुआ उसमें उजागर कौन लेता है? ये शिक्षा माफिया सब ले रहे, तो उजागर हुआ ना। रजीत रजक जो डीएसपी थे, अभी भी है यह डीएसपी जो जेल में अभी है शिक्षा माफी, उसने कबूल किया कि वो एमआरसीट बाहर ले जाकर रंगवाता था। आईएस रंजीत कुमार जी वाला जो चलता है वो बोला क्या, उनका भी नाम उछला है। ये तो जांच होना चाहिए ना कि कौन कौन लोग इसमें से, अमरिंदर कुमार जो है परीक्षा नियंत्रक, उसको हटाने की मांग हम लोग 8 मई से उठा रहे हैं, और हम लोग उनको हटाने की मांग कर, ये लोग फिर आए हुए हैं कमेटी उमेटी में क्या? अमरिंदर कुमार अभी भी है, ये है परीक्षा नियंत्रक, और ये आरसीपी सिंह का खास आदमी है। अब तो आरसीपी जी बेचारा भाग गए, लेकिन आदमी तो उसका है ना, अभी भी तो आरसीपी टैक्स तो वसूल रहा है ना अमरिंदर कुमार, तो इसको पहले हटाया जाए। क्यों नहीं हटाया जा रहा अभी तक, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं हटा रहे हैं अमरिंदर कुमार को? अभी भी सेटिंग गेटिंग का पूर्णता अति है,
कि होगा पूरा पूरा सेटिंग गेटिंग का भी लगाओ, इसीलिए तो इस तरह से एग्जाम को विवादित बनाया जा रहा है ताकि छात्रों का जो ध्यान है बटा रहे, मीडिया का ध्यान अलग रहे और ये लोग आराम से सेटिंग गेटिंग कर सके। चलिए, महत्वपूर्ण बातें दिलीप कुमार ने बताई है जिस पर हम उम्मीद करते हैं आयोग से लेकर तमाम शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री जी अगर झकास भारत देखेंगे तो उनको सही रिपोर्ट जाएगा। दिलीप जी अभी बता रहे थे, इनको धन्यवाद कहेंगे कि ये तमाम बिंदुवार तरीके से हमने प्रश्न किया और इन्होंने बतलाने का प्रयास किया। मेरा नाम हुआ रविकांत और कैमरे के पीछे केशव जी हैं, देखते रहिएगा, धन्यवाद।